घर खरीदारों को बड़ी राहत। कैबिनेट ने देश भर में अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए 25,000 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दी। बेरोजगारी के मुद्दे पर राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज, कहा मोदी मीनार अब अयोग्यता का स्मारक बन गई। महाराष्ट्र संकट पर आज बड़ा फैसला, राज्यपाल से मिलेंगे बीजेपी नेता, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मोहन भागवत से मिलेंगे। दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए ऑड इवन का चौथा दिन, तीसरे दिन 709 गाड़ियों के चालान कटे, तीन दिन में अब तक 1500 से ज्यादा गाड़ियों के चालान कटे। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को फटकारा, पंजाब हरियाणा और यूपी के छोटे मझोले किसानों को एक क्विंटल पराली पर 100 रुपए का इंसेंटिव देने का आदेश दिया। दिल्ली में पुलिस और वकीलों के बीच हुए बवाल मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा पुलिस और वकीलों का टकराव जनता के हित में नहीं, दोनों के बीच गतिरोध खत्म हो, वकीलों की आज भी हड़ताल। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में प्याज की कीमतों में भारी उछाल, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान बोले सभी उपाय लगभग खत्म, विदेश मंत्रालय प्याज के लिए तुर्की, ईरान, इजिप्ट और अफगानिस्तान से संपर्क करे। राजकोट में भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा T20 मैच आज, सीरीज में बांग्लादेश 1-0 से आगे।